इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं, जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी के घर न टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है, अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहां से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं, पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक के खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपका बिजली को आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहां से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं, आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहां आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने के लिए, ताकि बाकी लोग बचे रहे। 100 में से एक आदमी को हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में मजबूर हैं, ताकि 99 लोग शांति में रहें, अमन में रहें, खुशहाली में रहें, तरक्की करें।